क्या सेडस वापस आ रहा है? आएगा भी तो क्या ये फोन में चल सकता है? आज सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले वीडियो को स्किप करने की सोच रहे हो तो स्किप मत करना, क्योंकि वीडियो में बहुत बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है सेडस के बारे में, तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करना। माइनक्राफ्ट का आपके सेडस पैक किसको पसंद नहीं है? पहले माइनक्राफ्ट की बहुत सारे पैक लगा के हम खेला करते थे, बट माइनक्राफ्ट के 1.19 के बाद सेडस के पूरा खत्म हो गया। बट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रेनो ड्रैगन बेकार है। रेनो ड्रैगन का पर्पस ये है कि माइनक्राफ्ट के जावा एडिशन के पॉकेट एडिशन में कन्वर्ट करना, मेन स्पेक्टेटर मोड को पॉकेट एडिशन में रिप्लेस करके। माइनक्राफ्ट की ऑफिशियल की तरफ से न्यूज आ चुका है कि क्या हम RTX को बेटा वाले सेक्शन में आ कर सकते हैं। ऑगिलेट नाम का एक क्रिएटर है जिसने एक सेडस बनाया है जो कि आप स्क्रीन में देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, तुम जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हो। सिंपली गाइस आपको आ जाना है 1.20.30 के माइनक्राफ्ट के अंदर। उसके बाद आपको रिसोर्स पैक में जाकर वहां से सेडस दिया था उसे एक्टिव करना है। उसके बाद आपको वीडियो में जाकर वहां टेक्निकल प्रीव्यू को ऑन करना है और शैडो क्वालिटी को लो कर देना है उसे, और उसके बाद आपको एक्सपेरिमेंट में जाकर रेनो ड्रैगन को ऑन कर देना है। उसके बाद गाइस देख सकते हो मैं आ चुका हूँ। मुझे तो ये सिंपली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये सेडस पैक, तो आप बताना कमेंट में आपको कैसा लगा। बहुत सेडस चलाने के लिए तुम्हें 1.20.30 का माइनक्राफ्ट वर्जन चाहिए होगा, जाकर उसे डाउनलोड कर लेना। बट इसमें भी एक इशू है कि आप देख सकते हो 8GB रैम होकर भी मेरा लैग मार रहा है। मेरा मतलब ये है कि मीडियम से ज़्यादा की प्रोसेसर चाहिए होगी, बट आपके पास नहीं है। मीडियम से कम है तो आपका काम ही नहीं करेगा। तो मेरा मानना ये है कि पर्सनली मैं 2GB और 3GB वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो देखो आप धीरे धीरे करके बहुत सारे सेडस आने वाला है, न्यू सेडस पैक आएगा जोन डिवाइस का। तो सबसे पहले मैं तुम्हारे लिए वीडियो लेकर आ जाऊंगा, तब तक के लिए पेशेंस रखो। मैं मिलता हूँ आपको न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए गुड डे।